आज बनाने जा रही हूँ पापलेट फ्राई। पापलेट को साइड को थोड़ा कट लगा दे और बीच में भी कट लगाएंगे ताकि मसाले मछली के अंदर तक जा सके। कट लगाने के बाद पानी से साफ कर ले। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला लेंगे। तंदूरी मसाला नहीं तो आप जीरा पाउडर और गरम मसाला ले सकते हैं। काली मिर्च पाउडर ले जाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे। सरसों को पानी में भिगा कर इसे पेस्ट बना कर लेंगे। सरसों का पेस्ट 1 चम्मच लेंगे। सरसों का तेल बड़े चम्मच 1 चम्मच लेंगे। ये बीट रूट पाउडर है, ये ऑप्शनल है मगर डालने से बहुत अच्छा कलर आएगा। लेमन जूस डालेंगे। मसाला को अच्छे से मिक्स कर ले। पापलेट को अच्छे से मसाले के साथ कोटिंग कर लेंगे। मसालों को अंदर तक डाल दें। मसालों को अच्छे से कोटिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। पापलेट को क्रिस्पी करने के लिए एक प्लेट में ले जाएंगे 1/4 कप सूजी। सूजी में थोड़ा बेसन डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे बेसन। नमक थोड़ा ले जाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मछली को दोनों तरफ सूजी को लगा दे और सूजी लगाने के बाद थोड़ा मछली को हिला दे। यहाँ पे आयरन का तवा ले रही हूँ और मीडियम हॉट तेल में पापलेट को फ्राई करेंगे। ये आयरन का तवा है इसलिए लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से मछली को फ्राई कर लेंगे। पापलेट अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।